खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पहले एशिया दौरे से लौटने के एक दिन बाद उत्तर कोरिया ने 3 घातक मिसाइलों का परीक्षण किया। बताया जा रहा है कि किम जोंग उन के आदेश पर जिन 3 मिसाइलों का परीक्षण किया गया उनमें एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और बाकी 2 छोटी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, जिन्हें बाइडेन के जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा से अमेरिका लौटने के कुछ ही घंटों बाद जापान सागर में दागने का दावा दक्षिण कोरिया की तरफ से किया गया। हालांकि दक्षिण कोरिया को इस बात का पहले से ही अंदाजा था कि उत्तर कोरिया ऐसा कुछ कर सकता है, इसलिए उसने भी किम जोंग उन को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। जो वीडियो दक्षिण कोरिया की तरफ से जारी किया गया उसमें हथियारों से लैस करीब 30 F-15 के लड़ाकू विमानों को उड़ाकर उसने अपनी हवाई ताकत दिखाई और इसी के साथ दक्षिण कोरिया की तरफ से उत्तर कोरिया की इस हरकत को गैर कानूनी करार दिया। खबर है कि 3 मिसाइलों को उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से दागा गया, जिस पर दक्षिण कोरिया ने सवाल उठाए। बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया के मिसाइलों का परीक्षण करने के बाद दक्षिण कोरिया ने राजधानी सोल में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई जिसमें आगे की रणनीति तैयार की गई। धनगोरी थंडो मिसाइल यनियो भैसान गसन। बैठक के दौरान उत्तर कोरिया के 3 मिसाइलों के परीक्षण को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन बताया गया, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि किम जोंग उन के आदेश पर 3 मिसाइलों को दागा गया, वो भी 1 घंटे के अंदर, जिनमें एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बताई गई जिसके जरिए एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर हमला किया जा सकता है। दक्षिण कोरिया का दावा है कि प्योंगयांग से दागी गई इस मिसाइल ने 360 किलोमीटर की दूरी तय की और आसमान में 540 किलोमीटर ऊंचाई तक गई, जबकि बताया गया कि दूसरी मिसाइल 20 किलोमीटर तक उड़ान भरने के बाद कहीं गायब हो गई और उत्तर कोरिया की तीसरी मिसाइल के 60 किलोमीटर तक उड़ान भरने की खबर है। हालांकि अभी तक उत्तर कोरिया की तरफ से यह साफ नहीं हो पाया है कि उसने ऐसा कोई परीक्षण किया भी है या नहीं।